हमीरपुर में बढ़ते नशे की चपेट में आते हुए युवाओं को बाहर निकालने के लिए अब जिला प्रशासन ने भी कमर कसते हुए अभियान शुरू किया है, जिसके चलते अगले माह 15 दिसंबर तक पूरे जिला भर में नशीले पदार्थों व शराबखोरी से दूर रहने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हमीरपुर में बढ़ते नशे की चपेट में आते हुए युवाओं को बाहर निकालने के लिए अब जिला प्रशासन ने भी कमर कसते हुए अभियान शुरू किया है, जिसके चलते अगले माह 15 दिसंबर तक पूरे जिला भर में नशीले पदार्थों व शराबखोरी से दूर रहने का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। हमीरपुर CMO डॉक्टर अर्चना सोनी के अनुसार पूरे जिला भर में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ महिला मंडलों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया हुआ है, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। CMO डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि जिला में बढ़ रहे नशे को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया हुआ है और गत 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अभियान के तहत पूरे जिला भर में रैलियों कार्यक्रम के माध्यम से नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में जाने से रोकने में सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि एक सशक्त व स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सके। इस अभियान में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों, नेहरू युवा केंद्रों के स्वयंसेवी, 22 SS युवक व महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य स्वयंसेवी व सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। एक हमारा प्रोग्राम मेंटल हेल्थ के अंतर्गत नशा निवारण पर एक प्रोग्राम चल रहा है, वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक लॉन्च हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारे जिला में भी, ओवरऑल स्टेट में भी और हमारे जिला में हमने ऑब्जर्व किया है कि नशे की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। हर तरह के नशे हर रोज़ अखबार में, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक नशा इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एंड एज पर गाइडलाइंस फ्रॉम स्टेट हम एक इकट्ठा मिला जुला अभियान चला रहे हैं। जो लोग नशे की चपेट में आ गए हैं, ज़्यादातर हमारे युवा वर्ग है इसमें नशे की चपेट में, तो वो इन फैसिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपने आप वॉलंटियर आएं। वैसे स्कूलों में तो हम स्क्रीन कर ही रहे हैं, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट, तो मैं ये समझती हूँ कि लोग वॉलंटियरली आएं, ताकि हम इस अभियान को और सक्सेसफुल बना सकें। इसमें एक NGO भी हमारे साथ जुड़ी है, दैट इज़ रेड रिबन क्लब, और वो जो कॉलेजेस और प्लस टू तक तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट स्क्रीन कर रहा है, पर जैसे कॉलेजेस हैं या ITIs हैं जहाँ बच्चे सारे इस तरह के युवा वर्ग हैं, उनको रेड रिबन, हमारे पास हमारे ज़िला में 36 रेड रिबन क्लब्स हैं, तो उन रेड रिबन क्लब्स के माध्यम से हम उन बच्चों को कॉलेजेस तक इसका मैसेज देना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं, और जो ग्रस्त लोग हैं उनको हम ट्रीटमेंट पे डालना चाहते हैं।